नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश और आप देख रहे हैं सुप्त गुणे कला इस YouTube चैनल पर। आज हमने वीडियो का टॉपिक चुना है पैनासोनिक का मिक्सर। मॉडल है इसका AC300A। इस सुपर मिक्सर ग्राइंडर का अनबॉक्सिंग और हाउ टू यूज इट ये देखने वाले हैं। इस मिक्सर के बॉक्स पर यहाँ पर एक लेबल पे थोड़ी बहुत जानकारी दी हुई है कंपनी ने। ये देखिए 550 वैट की मोटर लगी हुई है इसमें। चलिए इसको खोल के देखते हैं। इस मिक्सर के साथ तीन जार मिले हैं। ये उस जार के लिड है। इसमें एक मैनुअल बुक है और ये रेसिपी बुक है। एक स्पैटुला है। इस मिक्सर में कंपनी ने सेफ्टी और क्वालिटी का अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया हुआ है इस मिक्सर को, जैसे कि चाइल्ड सेफ्टी लॉक। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे सुप्त गुण एक कला इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए, ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस मिक्सर के साथ में ये तीन जार आए हैं। दो स्टेनलेस स्टील के हैं और एक बड़ा वाला प्लास्टिक का है और एक स्पैटुला है, एक व्हिपिंग प्लेट है। ये जो बड़ी जार है इसकी कैपेसिटी 1.5 लीटर की है। इसके बाद ये मिल जार है जो कि स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और इसके ब्लेड भी स्टेनलेस स्टील के हैं। इसकी कैपेसिटी 1.1 लीटर है। और ये चटनी जार है छोटा, उसकी कैपेसिटी 0.4 लीटर है। इसकी ये लीड है, ये ऐसे ऊपर से यहाँ पर मैच करके प्रेस करना है और जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये लॉक यहाँ पर ऐसे लग जाता है। ये अभी लॉक हो गया है। जब इस लीड को निकालना है तब ये बटन को हम ऐसे अंदर दबाएंगे तो ये लॉक खुल जाएगा और ये ऐसा निकल जाता है। आइए अभी हम इसको मिक्सर को एक बार चला के देखेंगे। इसकी जो लीड वायर है वो लगभग 4 फीट तक लंबाई की है। ये मिक्सर 5 साल के वारंटी के साथ आता है। इसकी मोटर की वारंटी रहती है 5 साल की और ये ऐसे 6-in-1 फंक्शन में काम करता है। इसमें ब्लेंडिंग, कोकोनट मिल्क का ये बनाना, चटनी ग्राइंडिंग, टर्मरिक ग्राइंडिंग और वेट ग्राइंडिंग और स्पाइस ग्राइंडिंग, ऐसे कुछ फंक्शंस है। और इसकी मैक्सिमम RPM जो है वो 21,000 तक है। तो चलिए अब इसको हम चला के शुरू करके देखते हैं। यहाँ पर इसको 5 बटन दिए हुए हैं। ये पहला ऑफ का बटन है, ये पल्स है, दबा के रखेंगे तो चालू रहेगा मिक्सर। ये स्पीड क्या है, तीन, ये एक नंबर की स्पीड, ये दो नंबर की, तीन नंबर। यहाँ पर हमको एक स्विच दिया हुआ है जो कि बर्तन जब ये लगाएंगे तब ये स्विच प्रेस होता है, तभी ये मिक्सर चालू होता है, तब तक ये चालू नहीं होने वाला है। देखते हैं बर्तन को लगा के। इस बर्तन को ऐसे रखना है, ये बॉडी को यहाँ पर एक एरो दिया हुआ है और ये बर्तन में यहाँ पर एक एरो दिया हुआ है। ये दोनों एरो को ऐसे मैच करना और लेफ्ट साइड की तरह हमको ये ऐसे घुमाना है। अभी ये लॉक हो गया है, देखिए अभी पूरा लॉक हो गया है। और ये तो लॉक हो गया, अभी ये जो लीड भी लॉक होनी चाहिए। अभी हमारी लीड भी लॉक हो गई है।
अभी इसको सही तरह से हमने लगा लिया है, अब ये चालू हो जाएगा। देखिए अभी मैंने ये लीड निकाल लिया है, तो देखिए ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर हमारे हाथ से कहीं गलती से बटन दब गया या फिर बच्चों ने बटन दबाया तो ये चालू नहीं होगा जब तक कि ये लीड अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लगती नहीं। देखिए अब स्टार्ट हो रहा है। इसी प्रकार सब बर्तन हमको ऐसे एरो पे एरो मैच कर लेना है और थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ घुमा लेना है। ये जो दो बर्तन हैं ये स्टेनलेस स्टील के हैं और इनके जो अंदर के ब्लेड्स हैं वो भी स्टेनलेस स्टील के हैं, जो कि इनको जंग नहीं लगता है। इस मिक्सर को नीचे के साइड से एक ओवरलोड प्रोटेक्शन स्विच दिया हुआ है, जो कि ओवरलोड अगर मोटर होती है तो वो सर्किट ब्रेक कर देता है और मोटर को बंद कर देता है और मोटर की लाइफ को बढ़ाता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।